और एक और कागज जिन पे लिखता हूँ ये खुलासा, दिल में उठा दर्द करारा, वही जिसे इश्क में मारा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि आप इस टाइप की लिरिक स्टेटस वीडियो को कैसे बना सकते हो। तो इस टाइप की लिरिक स्टेटस वीडियो को बनाना बहुत आसान है। तो ये कैसे बनेगा ये जानने के लिए जो है आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना होगा। एंड अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो व्यूअर, सबसे पहले आप लोग को वीडियो बनाने के लिए VN ऐप को ओपन करना है। अगर आपके पास VN ऐप नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ऐप को ओपन करने के बाद आप लोग को प्लस पर टैप करना है, न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है एंड अपनी गैलरी से उस फोटो को सिलेक्ट करना है जिस फोटो से आप वीडियो बनाना चाहते हो। तो चलिए मैं उस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आप लोग को इस टाइप से ऐसे आगे स्क्रॉल करना है एंड ये ब्लैक वाला वाटर मार्क जो है इसको डिलीट कर देना है। एंड उसके बाद आपको फ़ोटो के लेयर पर टैप करना है एंड इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देना है। तो आपको इसको 17 सेकंड तक कर लेना है। तो मैं इसे 17 सेकंड तक कर लेता हूँ। 17 सेकंड करने के बाद आप लोग को ऊपर ओरिजिनल पर टैप करना है एंड इसकी रेशियो को 9:16 सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद इस फोटो को हमें ब्लर करना है। तो ब्लर करने के लिए हमें नीचे टूल को ऐसे स्लाइड करना है एंड हमें BG पे क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद हमें इमेज को सिलेक्ट करना है एंड इसको थोड़ा सा माइनस कर देना है एंड राइट पे क्लिक कर देना है। एंड अब फोटो को ऐसे क्लिक करके इस टाइप से ऐसे नीचे स्क्रॉल कर देना है। एंड उसके बाद हमें इसमें एक PNG को ऐड करना है। तो PNG का डाउनलोड लिंक जो होगा आप लोग को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। PNG को ऐड करने के बाद हमें इसे इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर लेना। तो चलिए हम सब इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो मैंने इसे बड़ा कर लिया है एंड हमें इस टाइप से ऐसे स्क्रॉल करना है एंड इस एरो पे टैप करना है एंड वीडियो एंड पे क्लिक कर देना है एंड कुछ इस प्रकार से ऐसे आगे आ जाना है। फिर से थर्ड वाले पे क्लिक करना है, वीडियोज़ और फोटोज़ पे जाना है एंड अपनी गैलरी से उसी फ़ोटो को सिलेक्ट करना है जिस फ़ोटो को हमने सिलेक्ट किया था। तो फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद हमें इस फ़ोटो को इस टाइप से थोड़ा सा बड़ा करना है एंड उसके बाद हमें ऐसे टूल को स्लाइड करना है एंड हमें जाना है मास्क पे। तो चलिए हम सब मास्क पे चल जाते हैं। मास्क पे आने के बाद आप लोग को यहाँ पे रेडियल को सिलेक्ट कर लेना है। रेडियल को सिलेक्ट करने के बाद आपको इस वाले एरो को इस टाइप से ऐसे स्लाइड करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है एंड उसके बाद आप लोग को राइट पर क्लिक कर देना है एंड अपने फ़ोटो को इस टाइप से ऐसे एडजस्ट कर लेना है। फ़ोटो को इस टाइप से एडजस्ट करने के बाद आपको इस टाइप से ऐसे आगे आ जाना है एंड इस ऊपर वाले लेयर पे आप लोग को क्लिक करना है, एरो पे क्लिक करना है एंड इसको वीडियो एंड सिलेक्ट कर लेना है एंड इस प्रकार से ऐसे आगे आ जाना है। फिर से आप लोग को थर्ड वाले पे क्लिक करना है, वीडियोज़ और फोटोज़ पे जाना है एंड अपनी गैलरी से इस टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है एंड इस टेम्पलेट वीडियो का डाउनलोड लिंक जो होगा आप लोग को मेरे टेलीग्राम के चैनल पे, मतलब कि टेलीग्राम के चैनल पे नहीं, मतलब कि आपको वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग को नीचे इसको इस टाइप से टूल स्लाइड करना है एंड हमें इसको फील सिलेक्ट कर लेना है जिससे यह पूरे स्क्रीन पर फैल जाए एंड उसके बाद आप लोग को ऐसे ऐसे स्लाइड करना है एंड आप लोग को ब्लेंडिंग सिलेक्ट करना है एंड ब्लेंडिंग सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेना है। स्क्रीन सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को राइट पे क्लिक कर देना है एंड इसमें अब हम लोग को ऐड करना है एक लिरिक्स वीडियो को एंड इस लिरिक्स वीडियो का डाउनलोड लिंक जो होगा आप लोग को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो लिरिक्स वीडियो ऐड करने के लिए आप लोग को थर्ड वाले पे क्लिक करना है, वीडियोज़ और फोटोज़ पे जाना है एंड अपनी गैलरी से लिरिक्स वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है एंड सिलेक्ट करने के बाद आपको इस टाइप से अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेना है लिरिक्स को। तो मैं अपने अकॉर्डिंग लिरिक्स को एडजस्ट कर लेता हूँ, तो आप लोग भी कर लेना। एडजस्ट करने के बाद आप लोग को नीचे टूल को स्लाइड करना है एंड आपको आना है ब्लेंडिंग पे एंड इसको स्क्रीन सिलेक्ट कर लेना है।
तो चलिए हम सब स्क्रीन सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड स्क्रीन सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को राइट पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद आप लोग को ऐसे आगे आ जाना है। एंड आप लोग को देखना है कि आपका जो सारा लेयर है ये लिरिक्स मतलब कि इस लिरिक्स वीडियो के अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो आप लोग को लिरिक्स वीडियो के अकॉर्डिंग इतना सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम लोग का वीडियो बन के रेडी हो चुका है। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि ये वीडियो हम लोग का कैसे बना है। तो व्यूअर आप सब देख सकते हैं हम लोग का वीडियो जो है इस प्रकार से बना है। तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए मतलब सेव करने के लिए आप लोग को ऊपर नीले एरो के ऊपर क्लिक करना है। एंड उसके बाद आप लोग को एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है, जिससे हमारा वीडियो जो है गैलरी में सेव हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आप लोग को पसंद आया होगा। सो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल।